2023 विधानसभा चुनाव तेलंगाना और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के समीक्षा करने और कार्यकर्ताओं का सम्मान का लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने अपने कार्यकर्ताओं नेता पदाधिकारियों को न केवल संबोधित किया बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया। और सम्मानित करने के बाद रामजी गौतम ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का गठबंधन उनकी तरफ से तेलंगाना में नहीं किया जाएगा, अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही सभी सीटों पर अपने लोकसभा के प्रत्याशी भी है वो घोषित कर दिए। आरएस प्रवीण कुमार यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बतौर अतिथि यहां पर पहुंचे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन उनकी तरफ से आयोजित किया गया था जिसमें जिन पदाधिकारियों ने विधानसभा के चुनाव में मेहनत की थी उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि किन कारणों से पार्टी चुनाव हारी उनकी भी समीक्षा आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में बोलते हुए बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी, ना तो इंडिया गठबंधन के साथ और ना ही भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए के साथ, किसी के साथ नहीं जाएगी बल्कि अकेले अपने दम पर तेलंगाना के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है।